दिवाली आने वाली है और हर घर में मीठे के साथ साथ कुछ नमकीन भी बनाया जाएगा, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंस्टेंट बनने वाली चकली, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और इतनी जल्दी आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं कि जिसके लिए नहीं तो आपको बहुत सारी दालों को इकट्ठा करना पड़ेगा। केवल एक कप पोहे से आप ये क्रंची और कुरकुरी चकली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसका आप टेक्सचर भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम कुरकुरी, तो आवाज़ से ही पता लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तो आप इसको बनाकर कम से कम 1.5 से 2 महीने स्टोर करके रख सकते हैं, यह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और त्योहारों पे इतना टाइम नहीं होता है कि हम इंस्टेंट बनाकर कुछ खा सकें, तो आप इसको पहले से बनाकर रखिए और दिवाली पर इसको एंजॉय करिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं इंस्टेंट चकली को हम कैसे बनाते हैं। तो वेलकम बैक टू माई चैनल कुकिंग शुकिंग विद काजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसको बनाने के लिए मैंने आधा कप चने की दाल ली है। अगर आपके पास भुने हुए चने हैं जिसमें छिलके नहीं होते हैं तो आप उसको भी ले सकते हैं। और इसको हम मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट बढ़िया तरीके से भूनेंगे, जब तक इसमें से खुशबू नहीं आ जाती है। तो सबसे पहले हमें दाल को भूनना है, क्योंकि दाल को थोड़ा सा भूनने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको पहले दाल को भूनना है और इसका बहुत ज़्यादा हमें कलर नहीं चेंज करना है, केवल आपको इसको हल्का सा खुशबू आने तक भूनना है। तो 2 मिनट के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब पोहा। तो आप यहाँ पर बारीक मोटा जैसा वाला भी पोहा आपके पास हो आप ले सकते हैं, और इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो पोहा जो होता है वो वेट में काफ़ी हल्का होता है, तो बहुत जल्दी ये भुनकर तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए आपको पहले यहाँ पर दाल को भूनना है, उसके बाद हम यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट के लिए पोहे को भूनेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को केवल हमें इस वजह से भूनना है ताकि जब हम इसका पाउडर बनाएं तो काफ़ी आसानी से इसका पाउडर बनके तैयार हो जाए। तो किसी भी चीज़ का आपको कलर नहीं चेंज करना है, केवल हल्की सी खुशबू आने तक ही आपको इसको भूनकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें भुनकर अच्छी तरीके से तैयार हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हमें थोड़ा सा ठंडा करना है। तो जल्दी से ठंडा होने के लिए हम इसको एक प्लेट पर ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाए। तो पूरी तरीके से ठंडा करने के बाद ही आपको इसको ग्राइंडर जार में ऐड करना है। और अब इसको हमें एकदम बारीक सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना पाउडर आप यहाँ पर बनाकर तैयार कर लें। तो आप देख सकते हैं दोनों ही चीज़ों को हमने एकदम बारीक पीस कर तैयार कर लिया है। तो बिल्कुल आपको बहुत ही ज़्यादा फाइन पाउडर यहाँ पर बना के रेडी करना है। और अगर फिर भी इसमें दाल के थोड़े से बड़े बड़े पार्ट रह जाते हैं तो आप किसी बोल के ऊपर एक चलनी रखें और उससे इसको अच्छे तरीके से छान लें। तो छानने से जितने भी थोड़े से बड़े बड़े दाने रह जाएंगे दाल के, वो आसानी से निकल जाएंगे। तो ये प्रोसेस आपको ज़रूर करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी दाल रह गई है, तो उसको हम अलग कर देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 2 कप चावल का आटा। ये मार्केट वाला चावल का आटा है, अगर आप फ्रेश बनाना चाहें तो आप घर में भी चावल का आटा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कप चावल का आटा लिया है और इसको भी अच्छी तरीके से हम छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी गंदगी वगैरह हो तो वो आसानी से निकल जाए। तो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से छान लेना है। और अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने घर की कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। तो पहले मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच ली है, उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच और डाली है। आप जिस हिसाब से तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर इसकी मात्रा रख सकते हैं। अब 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, जिससे चकली में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। और 1 बड़ा चम्मच इसमें हम सफ़ेद वाले तेल ऐड करेंगे। अगर आप कुटी हुई लाल मिर्च नहीं पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर जो पाउडर आता है लाल मिर्च का वो भी ले सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, जिसको अच्छे तरीके से हम क्रश करके ऐड करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हींग। हींग से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच मेल्टेड बटर। तो आप जब चकली बनाएं तो 1/2 घंटा पहले आप फ्रिज से इसको बाहर निकाल के रख दें, और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आपको इसमें ऐड करना है। और अगर आप मक्खन पसंद नहीं करते तो आप यहाँ पर घी या तेल किसी का भी मोइन लगा सकते हैं। तो सारी चीज़ों को पहले हम मक्खन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बस आपको यहाँ पर सरसों का तेल नहीं लेना है, बाकी आप जिस चीज़ का चाहें उसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। ये रूम टेम्परेचर का पानी है, तो जिस कप से आपने सारी चीज़ों का मेजरमेंट किया है उसी कप से आपको यहाँ पर 1 कप पानी पहले डालना है। और सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो चकली का जो डो होता है वो हमें काफ़ी सॉफ्ट लगाना होता है, ताकि चकली की शेप देते टाइम चकली जो है वो बीच में टूटे नहीं। तो आपको पहले यहाँ पर 1 कप पानी का यूज़ करना है। और अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप नॉर्मली किसी भी कप या कटोरी से इसका नाप बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हमने 1 कप पानी का यूज़ किया था, अब इसमें हम 1 कप पानी का और यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर 1/2 कप पानी ऐड करना है। तो इतना डो लगाने में कम से कम आपको 2 कप से थोड़ा सा कम पानी लगेगा। तो जो चकली का डो है वो हमें एकदम रोटी की तरह सॉफ्ट लगाकर तैयार करना है।
तो सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट डो लगाकर हमने तैयार कर लिया है। तो टोटल डो लगाने में हमको 2 कप से थोड़ा सा कम पानी लगा है, लगभग 1/4 कप पानी यहाँ पर बचा है। तो आपको इतने ही पानी का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारा जो डो है वो लगकर बिल्कुल तैयार है। तो अब इसको हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो चावल का आटा है वो भी अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो चकली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये चकली मेकर लिया है। तो इस मेकर में कई सारी जाली आती हैं, तो जो स्टार वाली जाली है वो आपको यहाँ पर लेनी है और इसको अच्छे तरीके से इसमें फिल कर देना है। तो इसको हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे, ताकि चकली बनाते टाइम जो आटा है वो बहुत ज़्यादा इसमें ना चिपके। तो थोड़े से ऑयल से आपको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। और अगर आपके पास ये चकली वाली मशीन नहीं है, तो जो पाइपिंग बैग आते हैं आप उससे भी चकली को बना सकते हैं। तो चकली को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से प्लेट ली है, जिसको आप आसानी से पलट के चकली को निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसको किसी भी शीट वगैरह पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट के बाद हम आटे को भी चेक कर लेते हैं। तो हमारा चकली का जो आटा है वो लगकर बिल्कुल तैयार है। तो आप देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट यहाँ पर बनकर तैयार है। तो जब भी कभी आप चकली का आटा लगाएं तो आपको इसको काफ़ी सॉफ्ट रखना है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको लंबाई में शेप देंगे और अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे चकली मेकर में। तो चकली मेकर में जब आप इसको ऐड करें तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आपको दबा दबा कर इसमें पूरी तरीके से भरना है। तो चकली मेकर में आप इसको दबा दबा के भरते हैं तो इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं पड़ती है। तो जब आप चकली बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी बीच में से नहीं टूटेगी। तो आपको इसको दबा कर अच्छे तरीके से बंद कर देना है। तो अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर चकली को हम शेप देते हैं। तो इस तरीके से प्लेट पर आपको गोलाई में इसको राउंड राउंड करते हुए शेप देनी है। तो बहुत ही पास से आपको इसको बनाना है और जितनी बड़ी आप चाहें उतनी बड़ी आप यहाँ पर चकली को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी आपको गैप नहीं देना है, लगातार आपको हाथों को चलाते रहना है। तो जितनी भी साइज़ आप यहाँ पर रखना चाहते हैं उतना ही आप यहाँ पर इसको कट कर दें और लास्ट वाले पार्ट को अच्छी तरीके से इसमें जोड़ दें। तो जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा स्पेस है बीच में चकली के, तो उसको हाथों से बढ़िया तरीके से सेट कर लें। तो सारी चकली इसी तरीके से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जितनी भी एक बार में चकली आएंगी उतनी बनाकर तैयार कर ली है। तो हमने तेल को यहाँ पर पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेल को आपको बढ़िया तरीके से गर्म करना है और सारी चकलियों को हम अच्छी तरीके से इसमें ऐड कर देंगे। तो जब भी कभी आप चकली बनाएं तो जितनी एक बार में कढ़ाई में चकली आए केवल आपको उतनी यहाँ पर बना के रखनी है। पहले से बिल्कुल भी चकली बनाकर ना रखें, नहीं तो वो ड्राई हो जाएंगी और फ्राई करते टाइम टूट भी सकती हैं। तो यहाँ पर चकली बनाने के लिए आप किसी ऐसे बर्तन का यूज़ करें जो थोड़ा सा फैला हुआ हो। तो जितनी भी आसानी से यहाँ पर चकली आएंगी उसको अच्छे तरीके से हम ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पर चकलियों को नहीं भरना है। तो अब इसको हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये पूरी तरीके से क्रिस्पी और करारी नहीं हो जाती है। तो इसको पलटने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब चकली आपकी पूरी तरीके से सेट हो जाए तभी आप इसको पलटें, नहीं तो ये टूट जाएंगी, क्योंकि चकली जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो जब ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगी तो ये अपने आप ही तेल में हल्के से ऊपर को आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं चकली हमारी बढ़िया तरीके से सेट हो गई है। तो इसको अब हम पलट देंगे। तो सारी चकलियों को आपको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से फ्राई करना है। तो सारी चकलियों को हम बढ़िया तरीके से पलट देंगे। तो अगर आप भी दिवाली में कुछ चटपटा और टेस्टी सा खाने की सोच रहे हैं तो आप इस रेसिपी को पहले से बनाकर रखिए और तुरंत आप इसको सर्व करिए। आपको तुरंत कुछ भी नहीं करना होगा, पहले से आप इसको बनाकर रख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमारी चकली है वो अच्छी तरीके से फ्राई होकर तैयार है। तो चकली को बस आपको बनाने के टाइम कुछ ही बातों का ध्यान रखना है तो आप पहली बार में बहुत बेहतरीन चकली बना सकते हैं। तो चकली को सबसे पहले हम किसी भी चलनी में निकाल लेंगे ताकि ये हर तरफ से जल्दी से ठंडी हो जाए। तो इसको जब भी कभी आप स्टोर करें तो आप इसको पहले से ठंडा कर लें। चकलियों को हमेशा बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही हमको स्टोर करना होता है ताकि ये बिल्कुल भी सॉफ्ट ना पड़े। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं केवल 1 कप पोहे से हमारी ढेर सारी चकली बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम सामानों के साथ आप इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, आप सबको तो पसंद आएगी ही आएगी, साथ में जो मेहमान आएंगे उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी आसान सी और टेस्टी सी रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।